आज मैं योगेश टकावले भैया का के साथ चैट करने वाला हूँ। फॉर दोज ऑफ यू ऑल डोंट नो हिम, इन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। इज प्लेड फॉर आईपीएल टीम्स एज वेल, प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस, इज प्लेड फॉर आरसीबी एज वेल, और उसके अलावा ही इज ऑल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड नागालैंड। इन्होंने इंडिया ए के लिए भी मैचेस खेले, और जो चैलेंजेस ट्रॉफी होता है इंडिया रेड, इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन, उसमें भी खेले, जो बहुत बड़ी बात है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर योगेश, हाउ आर यू आई एम गुड, थैंक यू लोकेश। आपका क्या और चल कैसा चल रहा? रहा है? बस क्वारंटीन चल रहा है, लॉकडाउन। आपका हाँ, कैसा चल रहा है? वही जो अभी अपना गवर्नमेंट ने बोला है घर पे रहना है, तो हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली सबको घर में ही रहना है। अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे, तो होपफुली हम सब लोग उसको फॉलो करेंगे। हाँ। और अपन ये सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे क्रिकेट अच्छा, में सेशंस होते हैं ना, हाँ सेशन, फिर लंच, फिर टी। वैसे हम लोग फर्स्ट सेशन में आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसकी बात करेंगे, और सेकंड अच्छा सेशन में जो आप आगे करना चाहते हो, आपका प्लानिंग है क्वारंटीन खत्म होने के बाद, लॉकडाउन के बाद, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। पक्का, ओके। सो आपका क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था घर में। एक्चुअली जो मेरे फादर थे, उन लोग को उनको बहुत क्रिकेट अच्छा क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। उन लोग का एक ड्रीम था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, लेकिन उनका ऐसा ड्रीम नहीं था कि मुझे, लेकिन उनको खुद को आगे जाके बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना है। उनका सिर्फ ये मोटिव था कि मुझे क्रिकेट खेलना है बस। लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, तो अगर मेरा कोई एक लड़का, अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है, अगर वो वही मेरा ड्रीम रहेगा। तो 96 या 97 की बात है ये। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो टाइम पे मेरे ख्याल से मेरे भाई, बड़े भाई जो थे, तो पहले उन लोग उनको जो अपना जो कोचिंग कैंप रहता है समर कैंप, तो उसमें ये अपना इंट्रोडक्शन किया था वहां पे। तो एक समय मुझे इतना क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता था वो टाइम, तो मेरे बड़े भाई उधर जाते थे। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जो लेदर बॉल था, मतलब वो टाइम पे 96-97 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हाई कैचेस लेने में बहुत डरते थे। तो वो हाई कैचेस लेते टाइम उनका जो एक दांत था वो गिर गया था सामने वाला। तो वो टाइम 97 में 100 रुपीज या 250 रुपीज पर मंथ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अमाउंट होता है वो। और हम जो फैमिली से बिलोंग करते थे, हम लोग, मतलब मेरे फादर जो थे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और मतलब इतना इनकम नहीं था हम लोग को वो टाइम पे। तो उनको ऐसा लगा अगर ये फीस वेस्ट जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। तो मुझे उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट है खेलने के लिए, तो आप वहां पे कैरी कर सकते हो, जाके खेल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो क्या? तो मैं बोला चलो ठीक है, चलो अभी समर कैंप है, घर पे कुछ करने के लिए कुछ नहीं, चलो जाके ग्राउंड पे थोड़ा एक्टिव रहेंगे। वो टाइम पे, वो टाइम से मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ था। और फैमिली का भी फुल बैकिंग था आपको? कभी हाँ, ऐसा नहीं लगा मतलब कि प्रेशर है, छोड़ दो क्रिकेट, पढ़ाई नहीं, करो? वो टाइम तो इतना प्रेशर नहीं था। वो सिर्फ मतलब 2 महीना अभी घर पे रहेंगे तो क्या करेंगे बच्चे लोग, तो वो 2-3 महीना छुट्टी का था। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो यार ग्राउंड पे जाके एंजॉय करेंगे, ऐसे भी घर पे कुछ करने के लिए है नहीं। तो वो माहौल अलग था, तो हम लोग का जो स्कूल का जो फ्रेंड्स थे वो भी उधर थे, तो मैंने भी सोचा चलो इनके साथ एंजॉय करेंगे, जाके खेलेंगे। लेकिन ऐसा मेरा ये नहीं था कि जाके आगे जाके प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है। तो वो साइड वो टाइम पे सिर्फ खेलना है, यही इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो आपका रणजी ट्रॉफी का सिलेक्शन कैसे हुआ? उसका क्या स्टोरी है? अच्छा, उसका स्टोरी नहीं कह सकते, उसका जो मतलब उसके पीछे जो बहुत सारे लोग थे, मतलब अंडर 14 से लेके 16-19, वो टाइम पे हम लोग मतलब वो टाइम वो जो दिन थे, वो पास जो था वो मतलब बहुत हार्ड वर्किंग था, क्योंकि इतना इजीली नहीं मिलता था। मतलब हम लोग जब मैं रणजी ट्रॉफी के लिए कैंप कैंप के लिए गया था, वो टाइम से मुझे सिर्फ कीपिंग के लिए बुलाते थे, तो उन लोग को मतलब
वो हम लोग के बड़े बड़े नाम थे, जैसे शंतनु सुगेकर थे, संतोष जेदे थे, अभिजीत काले थे, धीरज जाधव, ऋषिकेश कानेटकर, ये उन लोग को सिर्फ मैं देखता था जाके। तो हम लोग 14-16 साल के थे, 19 जस्ट खेलने आ चुके थे, तो उन लोग को ऐसा लगता कि कोई बॉल फेंकने वाला चाहिए हम लोग को, कोई हम लोग को, हम लोग जब बॉलिंग कर रहे तो बॉल पकड़ने के लिए कोई चाहिए। तो इसके लिए जो 19 का जो कैंप खत्म होता था उसमें उनको ऐसा लगता कि ये लोग आगे जाके कुछ कर सकते हैं, तो उन लोग को वो लोग नेट के लिए बुलाते। तो हम लोग, मेरे ख्याल से मैं 4 साल तो सिर्फ उसमें ही था, नेट्स में ही था। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला अंडर 22 में अच्छा परफॉर्म करके, जो पहला स्पार्क दिखाई दिया, जो हम लोग रणजी ट्रॉफी के कोच थे संतोष जेदे सर, सॉरी चंद्रकांत पंडित सर, तो उनको लगा कि अंदर कुछ कर सकते हैं आगे जाके। तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि मतलब रणजी ट्रॉफी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडिया के लिए, उधर जाके महाराष्ट्र अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, और वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ग्रुप में आप जाके सेटल होना वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर आपके साथ है और आप उनके उनके साथ रूम शेयर कर रहे हो, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, तो वो मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था वो टाइम पे। और वो इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ आईपीएल आप इंडिया ए के लिए खेल लिए थे, और इनफैक्ट चैलेंजर ट्रॉफी भी खेल रहे थे। तो उस टाइम पे जब आईपीएल नहीं था, तो इंडिया ए खेलना या चैलेंजर ट्रॉफी खेलना इज लाइक मतलब एक स्टेप अवे फ्रॉम द इंडियन टीम। तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि यहाँ पे अच्छा किया तो शायद से इंडिया के लिए भी सिलेक्शन का मौका मिल जी जाए। हाँ, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर इंडिया खेलना है या इंडिया या इंडिया खेलना है, तो आपको जो आपका जो बेस चाहिए वो रणजी ट्रॉफी होता है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप आगे जाके सिलेक्टर्स आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, अरे ये बंदा है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसको आगे जाके चांस देना चाहिए। तो रणजी ट्रॉफी इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो अगर उसमें आप अच्छा रन्स करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको आगे के जो डोर्स है वो अपने आप खुल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो 2005 या 2006 का जो सीजन था उसमें मेरा डेब्यू सीजन था वो टाइम, और वो टाइम पे मेरे ख्याल से ऋषिकेश कानिटकर मेरा रूम पार्टनर था। मैंने सर को बोला था कि सर बड़ा नाम मत देना मेरे साथ, क्योंकि मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा सीनियर प्लेयर जो 10 साल खेल रहा है महाराष्ट्र के लिए, और उसके बाद अभिजीत काले था, अगर आप मुझे उनमें मत डालना, क्योंकि होता है कोई यंगस्टर जाता है तो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है जो बड़े प्लेयर है उनके साथ, या उस बात नहीं कर पाता है वो। लेकिन हम लोग का ये अच्छा था कि जो सीनियर प्लेयर थे हम लोग के, वो खुद आके इंटरेक्ट करने के हम साथ, तो वो हम लोग भी थोड़ा थोड़े टाइम के बाद ओपन अप होने लगे कि हम लोग को क्या मुश्किल लगता है, किधर हम लोग अनकम्फर्ट है तो उसके ऊपर क्या लगते हैं, मतलब ये प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग कैसे करना है। तो ये बात मुझे बाद में समझ में आया कि, और उस सीजन खत्म होने के बाद मुझे चंद्रकांत पंडित ने बोला था कि ये मेन मेरा मोटिव था, ये रीजन था कि आप अच्छे प्लेयर हो, अगर आप अच्छे लोग के साथ रहोगे तो उनका थिंकिंग लेवल और आपका थिंकिंग लेवल मैच होना चाहिए। वो क्या सोचते हैं, अंडर 19 से लेके अंडर 20 तो आप यंगस्टर होते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो भी आपको पूछने वाला कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप अगर एक सर्टन लेवल पे क्रिकेट अच्छा खेलते हो रणजी ट्रॉफी पे, तो आपको परफॉर्म ही करना है, आपको सेकेंड चांस वहां पे नहीं होता है, क्योंकि अभी आपको रणजी ट्रॉफी, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में आपको इतना कंपटीशन होता है, क्योंकि वो आपको प्लेयर सिलेक्ट होना, उसमें से 11 में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो मेंटेन करना पड़ता है। तो मुझे बाद में चंद्रकांत पंडित सर बोला था कि मेरा मोटिव यही था कि आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो आप अच्छे लोगों के साथ रहो, उनका थिंकिंग और आपका थिंकिंग चेंज हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए, और बाद में मुझे समझ में आया कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो मैं बेसिकली मैं थैंक करना चाहूंगा कि जो मुझमें चंद्रकांत पंडित मुझमें कुछ तो देखा रहेगा, इसके लिए उनको लगा कि ये बंदा आगे जाके अच्छा क्रिकेट खेल सकता। और फिर आईपीएल से याद आया, फिर रणजी ट्रॉफी खेल लिए आप, सब खेल लिए, फिर वो आईपीएल का फर्स्ट कॉल अप कैसे आया था आपका मुंबई इंडियंस के लिए? मेरे ख्याल से एक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था 2006 या 7 में, मेरे ख्याल से वेलमन ट्रॉफी करके था, तो हम लोग का मुंबई का जो डीके पाटिल का जो टीम है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा था। तो
वो टाइम पे फर्स्ट टाइम हो रहा था शायद मेरे ख्याल से T20 मुंबई में। तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे सेमीफाइनल और फाइनल में उसमें मैंने रन्स किया था, 200 किया था 4 मैच में टोटल। उसके बाद में मुझे हम लोग के जो कोच थे अभी कुरविल्ला, तो उन लोगों ने पूछा था कि बोला था कि आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहो, अभी एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है इंडिया में, तो आप उसमें आपका चांस बन सकता है, इसलिए रन्स करते रहो। बोला ठीक है कोई मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे एक और टूर्नामेंट था, पुरुषोत्तम शील्ड शायद फाइनल था हम लोग का MIG पे, तो वो टाइम हम लोग फाइनल खेल रहे थे एयर इंडिया के साथ। तो मेरे ख्याल से वो टाइम पे दिलीप वेंगसरकर आए थे मैच देखने के लिए। वो टाइम पे हम लोग कुछ तो चेस कर रहे थे, 280 या 290 चेस कर रहे थे, और मैंने वो मैच में 100+ रन किए थे। तो मेरे ख्याल से वो मेरे टर्निंग पॉइंट था IPL सिलेक्शन के लिए। और जो Day 1 था आपका मुंबई इंडियंस के कैंप में या ड्रेसिंग रूम में, वो कैसा था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद व्हेन यू वॉच सचिन फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था अंडर 14 के टाइम में, जब हम लोग एक अंडर 14 का स्टेट लेवल का एक टूर्नामेंट खेलने गए थे मुंबई में वानखेड़े पे। तो उधर मुंबई ट्रॉफी टीम का नेट चल रहा था, वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आगे जाके इनके साथ खेल खेल सकता हूँ। तो वो ड्रीम था मेरा, सचिन पाजी तो सब मतलब गॉड ही अपने इंडिया में। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था किसी पे, जब वो के लिए आए थे, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उनके साथ। तो मैंने उनको वो बोल रहे थे हाय योगेश कैसा है, तो मैंने कुछ जवाब ही नहीं दे पाया था उनको। तो मतलब इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पर्सन आपने आपके सामने खड़ा होता है, तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो सामने से। तो बहुत अच्छा था। बाद में स्लोली स्लोली मतलब जैसा टाइम हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो स्लोली स्लोली हम लोग भी ओपन अप हो गए। वो भी आके पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है, कैसे खेलना है, अभी आप इतने बड़े मुख आ गए हो, तो अभी आपको कुछ बाकी सोचने का है नहीं, सिर्फ आपके क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना, आपको जो आ रहा है वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, जस्ट एंजॉय योर गेम। वो पहला इंट्रोडक्शन था उनके साथ। और फिर जो आपका डेब्यू था मुंबई इंडियंस के लिए, आपको कब मालूम पड़ा कि आपको प्लेइंग 11 में खेलने वाले हो? एक दिन पहले मालूम पड़ा है, मैच के जस्ट पहले आपको किसी ने आके बताया? नहीं, 1 दिन पहले मालूम पड़ा था। मेरे सचिन पाजी तो इंजर्ड थे वो टाइम पे, पहले 6 या 7 मैच, और मैं भी मतलब फर्स्टेड हो गया था। अभी हम लोग मैचेस हार रहे, सब लोग को चांस मिल रहे, तो मुझे चांस कब मिलेगा? तो उन सचिन पाजी को पता भी नहीं था कि मैं ओपनिंग भी कर सकता हूँ। मैं मोस्टली वो टाइम पे 3 या 4 नंबर पे बैटिंग कर रहा था T20 के लिए, 1 70 ओवर्स गेम के लिए। तो मेरे ख्याल से हम लोग का एक ट्रेनर था वहां पे, गोखले करके एक महाराष्ट्र का ही बंदा था, वो पुणे का बंदा था। तो वो रणजी ट्रॉफी, महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी का भी फिजियो था। तो वो टाइम वो मुंबई इंडियंस के भी फिजियो थे, ट्रेनर थे शायद। तो मतलब सब कुछ नेट्स खत्म हो रहा था, तो पाजी भी इंजर्ड हो गए थे, सब लोग को मौका मिला था। तो मुझे बाद में आके पूछा कि आप जाके बैटिंग करो, तो मुझे बैटिंग नहीं मिलता था वो टाइम पे, मतलब जो सीनियर्स प्लेयर थे ज्यादा बैटिंग मिलता था वो टाइम पे। मतलब 4 4 साढ़े 4 5 घंटा हम लोग का नेट चलता था, तो उसमें से जो प्लेयर थे वो लोग ही ज्यादा बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे लास्ट में बैटिंग पे बुलाया गया ताकि पाजी इंजोर थे इसके लिए, तो वो खोज रहे थे कि ओपन कर पाए कौन करेगा हम लोग के टीम में। तो मुझे जाके आके बोला सर ने कि आप जाके थोड़ा बैटिंग कर लो, हम लोग को आपको देखना है। तो मैं बोला ठीक है चलो, वैसे भी कुछ कर ही नहीं कर रहा तो जाके बैटिंग करूंगा। तो वो टाइम पे आशीष नेहरा था, फर्नांडो था, एंड्रू नेल था, शॉन पॉल था, तो वो सब लोग नया बॉल डाल रहे। तो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया कि शायद मैं ओपन कर सकता हूँ इन लोग के साथ, मतलब जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो नीचे आके जाके बैटिंग करने में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग का जो बैटिंग ऑर्डर था वो बहुत स्ट्रांग था, जो एक स्पॉट खाली था वो सिर्फ ओपन का था। तो मैं जाके बैटिंग किया, जो मेरा फ्री स्ट्रोक्स था मैं वो खेल रहा था। तो पाजी ने पता नहीं था कि ये खेल पाता है, ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग के जो कोच थे गोखले सर, तो उनको पूछा पाजी ने कि ये बंदा कैसा है, खेल पाएगा क्या? तो उन्होंने जाके बोला कि ये बंदे ने अभी T20 में 200 किया है और फाइनल में भी 100 किया है।
तो उनको बाद में पता चल गया अरे ये बंदा खेल सकते हैं। तो मुझे नेट सेशन खत्म होने के बाद पाजी ने आके बोला था कि योगेश कि आप कल खेल रहे हो, ओपन कर रहे हो। तो मैं शॉक था कि मतलब ओपन, मतलब माइंड में पता था ये आके बोलने वाले है, मुझे इधर मेरे सामने आ रहे तो कुछ ना कुछ रहेगा। मुझे आइडिया आ गए थे जब मैं बैटिंग कर रहा था नेट्स में, हाँ, क्योंकि एक खाली स्पॉट है उधर जाके बैटिंग करना है। तो मुझे बाद में सर ने आके पूछा कि कल आप ओपन कर रहे हो, कुछ मतलब टेंशन लेने का नहीं है, आप जाके अपना बैटिंग करो, एंजॉय करो क्रिकेट, और आगे मेगरा है, आसिफ है, कुछ देखना नहीं, आपको सिर्फ बॉल देखना है और उसके ऊपर खेलना है आपको, आप जस्ट एंजॉय करो गेम, जो होगा वो देखा जाएगा। वो जो उन्होंने जो बूस्ट पावर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि अभी जाके सिर्फ खेलना है और कुछ करना नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट वो जो था मुंबई इंडियंस। और मतलब ऐसा बिल्कुल डर नहीं लगा कि फर्स्ट मैच मिल रहा है, उसमें भी ओपनिंग करना है, प्लस सामने न्यू बॉल ग्लेन मैग्रा डालेगा, मोहम्मद आसिफ डालेगा, तो जल्दी आउट हुआ था, अगला चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था। कि मैं मोस्टली ज्यादा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, क्योंकि अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो वो अपने दिमाग में वो होता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट टाइम आईपीएल हो रहा है, इतना प्रेशर रहेगा, इतना पब्लिक के सामने आपको जाके फेस करना है, और फेस करना है तो 45,000 पीपल के सामने आपको फेस करना है। बाद में आपके सामने जो बड़े बड़े प्लेयर है जो 10-15 साल से इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, तो मैं उल्टा सोचता कि अगर मैं इनके सामने अच्छा रन्स करूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा। जो आके मैं अभी तक कर रहा हूँ 15-20 साल से भी जो मैं खेल रहा हूँ वही जाके खेलना है, सिर्फ एंजॉय करता है। और पाजी ने तो बोला ही था कि आगे को उन्हें देखना नहीं है, सिर्फ अपना क्रिकेट एंजॉय करो। और फिर उसके बाद जब आईपीएल खत्म हुआ, तो उसके बाद शायद बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आपको आपका रणजी ट्रॉफी का टीम चेंज करना पड़ा, आप महाराष्ट्र की जगह त्रिपुरा के लिए जाके खेला, तो मतलब वो कैसा था फेज? मेरे ख्याल से 2006 या 7 में मैं महाराष्ट्र के लिए लास्ट मैच खेला था। तो उसके बाद मैं आईपीएल खेला, मतलब फर्स्ट रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद मैं इंडिया ही खेला और बाद में आईपीएल खेला था। तो बाद में जो हर जगह पे होता है आपको भी पता है सब जगह पे क्या मतलब स्टेट टीम में क्या क्या होता है, तो वो टाइम में हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो वो टाइम में मुंबई में आके खेलने लगा था, मतलब मैं 2007 में ज्वाइन किया था। फर्स्ट मेरा क्लब था MIG, जो मुझे चंद्रकांत पंडित ने ही ऑफर किया था कि आप जाके बॉम्बे में क्रिकेट खेलो, वहां पे मैचेस ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, अच्छा अपोनेंट के सामने आपको खेलने पड़ेगा, खेलने मिलेगा। तो वो टाइम मुझे मतलब खेलना ही था क्रिकेट। तो चंद्रकांत पंडित सर ने ही मुझे बोला कि जाके आप MIG पे खेलो, मैं वहां पे बात करता हूँ, आप जाके वहां पे सिर्फ एंजॉय करना, सिर्फ परफॉर्मेंस करना, आगे का ज्यादा सोचना नहीं। तो मैं एक 4-5 साल वैसे ही क्रिकेट खेलते गया। तो बाद में मुझे मेरे ख्याल से पहले मैं DTDC के लिए जॉब कर रहा था कर्नाटक में, जो है जो उसका जो बेस है, टीम है जो कर्नाटक में खेलती है, उधर का KSA वगैरह DTDC टीम वहां पे खेलती है। तो मैं पहले वहां पे खेल रहा था। उसके बाद जो DY पाटिल के जो कलीग्स थे मेरे, कुणाल मराठे, तो उन्होंने पूछा था कि आप DY पाटिल के लिए खेलोगे क्या? तो मैंने इमिजिएटली को हाँ कर दिया था, मैं खेलूंगा, क्योंकि बॉम्बे और कर्नाटक बहुत दूर दूर है, क्योंकि कर्नाटक में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बॉम्बे तो नजदीक है, उधर जाके खेल लूंगा। तो वैसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ उधर से। 4-5 साल बीच में निकल गया, करना क्या है, करना क्या है, क्लब क्रिकेट में और कितने साल खेल सकता है तू। तो मुझे वो मतलब क्रिकेट खेल के अगर नीचे आता है तो माइंड में होता है कि यार नहीं यार, आपको ऊपर वाला क्रिकेट खेलना है, आपको आगे कुछ करना है, मेंटेन करना है अपने आप को। तो मैं वर्क अपना हार्ड वर्क करता गया करता गया। तो मुझे जो पहले त्रिपुरा के लिए खेले थे विनायक सामंत मेरे ख्याल से वहां पे, तो उन्होंने शायद वहां पे रिजाइन कर दिया था खेलने के लिए। और मेरा एक हम लोग के एक अच्छा फ्रेंड है वहां पे, ट्रेनर थे जो अभी बंगाल टीम के लिए वो अभी ट्रेनर है, तो उन्होंने पूछा था कि अगर आप त्रिपुरा के लिए खेल सकते हो, तो मैंने इमेजिएटली हाँ कर दिया। वो टाइम पे मैं यूके में मैचेस खेल रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी आप रिसेंटली कौन सा मैचेस खेल रहे हो, तो मैंने उनको बोला कि अभी रिसेंटली मैं A Division मैचेस खेल रहा हूँ मुंबई के लिए, मुंबई में, और अभी मैं यूके में हूँ। तो आप उन्होंने बोला कि आप यूके में अगर परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई है यूके का परफॉर्मेंस तो आप मुझे मेल कर देना। उन्होंने मेल कर दिया, तो उसके बाद जाके मुझे मौका मिला था त्रिपुरा में जाके खेलने के लिए।
और फिर त्रिपुरा में आपने शायद एक इनिंग खेला था महाराष्ट्र के अगेंस्ट, आपके पुराने टीम के अगेंस्ट, और वहां पे जाके आपने दोनों इनिंग में शायद से 100 लगाया था। वो हाँ कैसा फीलिंग है पुराने टीम के अगेंस्ट जाके ही 100 करने का? वो कोई गुस्सा था या अलग ही मोटिवेशन था कि नहीं इनके साथ तो मारना ही है 100 रन? नहीं ऐसी बात नहीं है। वो टाइम पे मुझे कुछ मतलब गुस्सा वगैरह नहीं था, लेकिन मैं खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं अगर कोई भी स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर वो टाइम पे नहीं खेल रहा हूँ, अगर दूसरे स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, तो मुझे उतना ही खुशी होगा कि जो मैं अपने टीम से खेला हूँ, जैसे महाराष्ट्र के लिए पहले खेलता था, त्रिपुरा के लिए खेलता। लेकिन मेरे लिए वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मुझे सब पता था कि उन लोग के बॉलर कैसे है, जो मैं उन लोग के साथ 10-15 साल से खेला था। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम एक ही अपॉर्चुनिटी आएगा महाराष्ट्र के वर्सेस खेलने के लिए। तो मैंने मन में ठान लिया था जो कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन इनके सामने आउट ही नहीं होना है, बाकी अपने आप होगा, वर्क हार्ड करना। तो उसके लिए मैं त्रिपुरा टीम मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले आया था, उससे पहले मैं किसी को पता नहीं रहेगा, उससे पहले मैं 2-3 दिन यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहा था क्लब ऑफ महाराष्ट्र में, उसके बाद मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया था। तो वर्क में प्रैक्टिस करता करता गया, और ये मतलब वो हो गया, मत हो क निकल गया वो 100, दोनों इनिंग में हो गया मेरे साथ। और इतना मतलब डोमेस्टिक में भी आप डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट आईपीएल में इनिशियल 2-3 इयर्स के बाद आप बीच में 2-3 साल आपको कोई टीम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग फेज था आपके लिए? जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है, तो आपको आगे की सोचना नहीं है, आपका जो बिल्कुल आपका गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है, लेकिन ज्यादा दूर की सोचना भी बहुत मतलब प्रेशर होता है कि वहां पे खेलना ही है। लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स होता है, मतलब हार्ड वर्क करना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान देना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाके हासिल करना है। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्मेंस भी करना होता है और आपको फिट भी रखना पड़ता है उसके लिए। तो वो प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए, तो वो करना ही चाहिए। अगर मेरे मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा नहीं सोचना है, आपका गोल है उसको, जैसे पाजी ने कहा कि ड्रीम फॉलो करना है, ड्रीम फॉलो करना है, उसके साथ आपको मेहनत भी करना है। तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जस्ट मेहनत करो, करते रहो, आगे की मत सोचना। और आपने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, लेकिन आपका फेवरेट नॉक कौन सा है? डोमेस्टिक में आप क्लब लेवल के बात कर रहे हो आप? रणजी क्लब ट्रॉफी, KSEA का जो टूर्नामेंट होता था, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। तो मेरे ख्याल से एक 2012 में डीवाई पाटिल का जो फाइनल में मैच खेल रहे थे हम लोग रिलायंस ग्रुप के सामने, तो मेरे ख्याल से हाँ, वो मेरे ख्याल से वो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि हम लोग वो टाइम पे 190 या 192 चेस कर रहे थे। तो एक टाइम पे हम लोग शायद 4 आउट 30 या 40 रन थे, तो उधर से जाके हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब अच्छा बैटिंग किया, अच्छा पार्टनरशिप किया, और वो टाइम फाइनल पे हम लोग जीत गए थे वो टाइम। और केएसए में बोलना चाहूंगा कि वो भी फाइनल ही मैच था मेरे ख्याल से, तो वहां पे भी केएसए का टूर्नामेंट था, कर्नाटक का जो टीम था वो फाइनल में आया था वो टाइम। विनय कुमार था, मतलब जो उनका जो प्रॉपर रणजी ट्रॉफी साइड था वो खेल रहे थे, और हम लोग भी डीवाई पाटिल फाइनल में आए थे 2014 में, तो वो टाइम पे भी मेरे ख्याल सो गया था वो टाइम पे। और आईपीएल में एक इनिंग था जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम 2008 में मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहा था, जो 8 बॉल में मैंने 24 रन किया था लास्ट ओवर में, शायद शेन वॉटसन को जो जो रन किए थे वो। और 2014 और 15 में मेरे ख्याल से हम लोग मैच खेल रहे थे दुबई में, हाँ, तो वो टाइम पे शायद 40 या 45 रन किए थे ओपन करके। हाँ वो 2014 वाला जो आईपीएल था, तो अपन स्टार्टिंग से आते हैं उस पर, तो अच्छा। आपने 3 साल आप आईपीएल खेले नहीं, उसके बाद आईपीएल ऑक्शन था, और शायद वो फर्स्ट ईयर था जब डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी
ऑक्शन हो रहा था, उसके पहले डोमेस्टिक प्लेयर्स का ऑक्शन में नाम नहीं रहता था। उसका एक तो वो इंटरेस्टिंग तो स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। 2014 का ऑक्शन चल रहा था, तो वो टाइम पे मैंने त्रिपुरा के लिए खेला था और 850 रन किया था। तो मुझे थोड़ा होप था कि अगर हो सकता है तो यही टाइम पे हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि 4-5 साल बहुत बड़ा बहुत गैप होता है, 4-5 साल। जैसे कि वो शायद 23 था, तो उसके बाद 27-28 में अगर आपको चांस मिलता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वो टाइम पे मैं ऑक्शन देख रहा था, मेरे ख्याल से एक हम लोग मेरा एक फ्रेंड है मंजीत सिंह मल्ली, वो भी मेरे रूम में था। तो हाँ, टोनू, वो तो हम लोग ऑक्शन देख रहे थे। मेरा फर्स्ट टाइम नाम आया था, तो किसी ने ऑक्शन में लिया नहीं था, तो थोड़ा बुरा लगा था कि अरे यार नहीं हो रहा है। तो सेकेंड टाइम में भी ऑक्शन आया, ऑक्शन में नाम आया था, तो मैंने ये टाइम पे तो हो जाएगा, तो वो टाइम पे भी नहीं हुआ था। तो मुझे मंजित बोला कि अरे थर्ड टाइम पे तो पक्का होएगा। तो बोला नहीं होगा, चल अभी मुझे नहीं देखना है वो, अभी मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। तो मैं गुस्से में टीवी बंद कर दिया था, और वो मेरा फ्रेंड वो टोनो भी निकल गया था, अभी तो कुछ चांस है नहीं, लेकिन होप्स था हो जाएगा। तो मैंने वो टीवी बंद कर दिया था। तो थोड़े टाइम के बाद मुझे एक और एक मेरा फ्रेंड है वो मारूफ वजनदार करके, तो उन्होंने आके मुझे फोन किया था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है, तो तू RCB खेल रहा है। मतलब नहीं यार अभी बहुत हो गया, अभी अभी मैं वो इसमें नहीं हूँ कि आप मेरा मजाक उड़ाओगे, नहीं यार सच में मैं कहो आप टीवी ऑन करो, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब चलो ठीक है देख लूंगा उन्होंने, तभी मैंने फोन रख दिया, लेकिन मैंने टीवी चालू नहीं किया। तो बाद में उन्होंने स्क्रीनशॉट निकाला टीवी का, और बाद में बोला कि ये ऐसा ऐसा है, तब जाके मुझे रियलाइज होगा अरे यार नहीं है, ये सच में बोल रहा था कि शायद हो गया है मेरा। तो बाद में और RCB का भी फोन आया था, मेल आया था उन लोग की आप हम लोग के लिए खेल रहे हो ये साल। तो ये स्टोरी था, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी था। और उसके बाद RCB के लिए जो फर्स्ट मैच खेला आपने, उसमें 40 रन कुछ तो किया था आपने शायद, मॉर्निंग दुबई में मॉर्कल को, खेल रहे थे, हाँ शारजा में शायद सर, शारजा में खेल रहे थे हम लोग। मॉर्निंग मॉर्कल उस टाइम पे अपने पीक पे था, मॉर्निंग मॉर्कल, उमेश यादव, सबके सब 140+ डालते थे, तो उन लोग के ऐसा कुछ नर्वसनेस नहीं था? नहीं हम लोगों ने IPL स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, और मेरे ख्याल से वो मंजीत ही था हम लोग के साथ, और एक प्लेयर था हम लोग का योगेश पावर करके रायगढ़ का, वो पुल और हुक शॉट अच्छा खेल रहा था। तो मुझे उससे सीखना था कि पुल और हुक शॉट खेलने के लिए मतलब क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 20-25 दिन पहले, IPL स्टार्ट होने से पहले 20-25 दिन हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे टेनिस बॉल से। तो उन्होंने मैं बोलना चाहूंगा स्पेशली कि तब मंजीत ने बहुत मेरे साथ रहकर मुझे सपोर्ट किया है, और हम लोग योगेश पावर का भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे बॉल फेंका था वो टेनिस बॉल से। तो ये मेरा प्रिपरेशन था वो टाइम IPL से पहले खेलने के लिए। तो और उधर जाके अगर आप टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका जो बैट स्विंग होता है या बैट स्पीड होता है वो थोड़ा लेट होता है। तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे 15-20 दिन, तो आपका वो मेंटेन हो जाएगा। तो ये मेरा प्रिपरेशन था मॉर्निंग ऑर्कल को खेलने से पहले। तो मुझे उधर जाके ऐसा लगा नहीं कि मैं इसको खेल रहा हूँ 140 खेल रहा हूँ 150 खेल रहा हूँ, तो वो मुझे वैसे ही आ रहा था जो मैं टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो वैसे ही आ रहा था बॉल। और उसके बाद वही साल आपने एक और बहुत अच्छा नॉक खेला था, वो भी अगेंस्ट KKR, बट ये टाइम ईडन गार्डन पे, तो उसमें ईडन गार्डन मेरा फेवरेट ग्राउंड, मैं इंडिया में मेरा दो फेवरेट ग्राउंड है, एक ईडन गार्डन है और एक है वानखेड़े। तो ईडन गार्डन की मैं जब महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो वहां पे जाके मैंने 2 इनिंग में शायद 70-80 रन किया था अंडर रणजी ट्रॉफी। उसके बाद मैंने जोनल मैचेस भी वहां पे खेले, उसमें कभी उधर 0 पे आउट नहीं हुआ। तो मेरे लिए वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, क्योंकि वहां पे जितने भी रन किया है वहां पे जो 50+ ही है मेरा, मैं कभी उधर जल्दी आउट नहीं हुआ। तो मुझे पता है कि वहां पे बाउंस कैसा होता है उधर का, मतलब रात अगर बैटिंग करो तो बॉल थोड़ा सीम होता है वहां पे, अगर दोपहर 4 बजे आपका बैटिंग कर रहे हो तो अच्छा बॉल बैट पे आता है, वो थोड़ा ही स्विंग होता है, ज्यादा होता नहीं है। तो जो भी होता था वो शाम को ही होता था। तो उसके मुझे पता था कि वो ज्यादा टाइम वहां पे मैंने स्पेंड किया हुआ था, मतलब मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम 16, 19, 22। तो मुझे पता था कि यहाँ पे विकेट्स कैसा होता है, कैरी कैसा होता है, बाउंस कैसा होता है, तो मुझे थोड़ा आइडिया था।
और मॉनी मॉर्कल वहां पे अगर बॉलिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट ही होने वाला है, वो आगे डालता है तो हाफ फॉली ही देता है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन किया हुआ था। तो और माइंड में ये भी था कि मैंने उनको पहले खेला भी है तो मुझे पता था कि वो कौन सा लेंथ डालने वाला है। और वो इनिंग का एक और स्पेशलिटी ये था कि आपका विराट कोहली के साथ कुछ 85 रन का पार्टनरशिप हुआ था। आप एक मैच में चेज कर रहे हो और वो भी आपका साथ जो पार्टनर है वो विराट कोहली जैसा हो, तो आपके बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहता है मतलब चेज करने के लिए? स्टार्ट हम लोग का इतना अच्छा नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से क्रिस गेल जल्दी आउट हो गए थे वो टाइम पे। तो हम लोग का थिंकिंग यही था कि अगले 5 ओवर हम लोग को मतलब पावर प्ले का अच्छा यूज करना है, तो पावर प्ले में जितना रन आएगा तो आप लोग का टीम में जो जो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है जैसे एबी डिविलियर्स था, युवराज सिंह था, तो वो बाद में अगर 5 ओवर में 70-80 भी रन चाहिए तो वो कर सकते। जो वो मिडिल फेस था वो हम लोग को खेला है, वो हम लोग वही बात कर रहे थे, अगर आप तीन चार ओवर में अगर अच्छा 10-12 रन का ओवर आता है तो वो जो टारगेट था हम लोग का सेट था वो नजदीक नजदीक आते जाएगा, जो वो प्लान था हम लोग का, तो वो प्लान के हिसाब से हम लोग बैटिंग कर रहे थे। तो हम लोग का डिस्कशन वही चल रहा था कि आपको अभी कब टेक ऑफ करना है और कब आपको सिंगल्स डबल्स लेना है, पार्टनरशिप कितना इम्पोर्टेंस रखता है T20 में, तो हम लोग वही बात कर रहे थे। चलो अभी अपन इस प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। अपन एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करते हैं, अच्छा तो इसमें आपको फटाक से आंसर देना है और प्लस चाहिए तो ज्यादा नहीं, एक लाइन में आपका रीजन बताना है कि आपने वो आंसर क्यों दिया। तो अच्छा ओके ट्राई कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट आईपीएल कैप्टन, शॉन पॉलॉक, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? फर्स्ट टाइम खेला था 2008 में तो शॉन पॉलक था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद पाजी ने टेक ओवर किया था, तो मेरे ख्याल से शॉन पॉलक पहले, उसके बाद विराट कोहली, अगर वो टाइम बीच में बहुत टाइम निकल गया था तो बाद में विराट कोहली, फर्स्ट फर्स्ट शॉन पॉलॉक। शॉन पॉलक, क्योंकि उन लोग का जो इंटरेक्ट जो मतलब सीनियर प्लेयर जूनियर प्लेयर के साथ कैसा बात करता है, आपको कैसा बूस्ट करता है, तो वो पॉलक से सीखना पड़ेगा। वो पाजी तो एज यूजुअल करते ही है जूनियर्स को, और विराट कोहली का बोलना चाहूंगा कि उसका जो एग्रेशन है वो टीम को लेके जाता है, मतलब तो इस क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि बाद में विराट कोहली। और बेस्ट आईपीएल टीममेट आपका, मुंबई इंडियंस या आरसीबी, किसी का भी? मुंबई इंडियंस में अजिंक्य रहाणे था और अभिषेक नायर था, और आरसीबी में मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं था तो पार्थिव पटेल, ओके, क्योंकि हम क्योंकि दोनों विकेट पता कीपर। है विकेट कीपर है तो कुछ सीखने को मिलता है उनके साथ खेल के, तो वो मैं उनको फॉलो करता था बाद में। और मुंबई इंडियंस और आरसीबी का स्टाइल आइकॉन, एक प्लेयर जिसका स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आपको? क्रिस आरसीबी में क्रिस गेल, मतलब गेल। वो आदमी जो कर देते बाकी कोई नहीं करेगा। आरसीबी में तो भरे पड़े थे, क्रिस गेल, विराट कोहली, युवराज सिंह। वो क्रिस गेल ही था, बाद में सब लोग आते थे आइकॉन बाद में वो तो ऑब्वियसली विराट और यूवी था ही, लेकिन उनके उनका जो था वो क्रिस गेल था, जो क्रिस गेल करता तो वो लोग ये लोग नहीं कर पा रहे थे। अभी आपने अजिंक्य रहाणे का नाम ले लिया तो इधर सिद्धार्थ चिटनेस बुरा मान गए, मुंबई इंडियंस के टीममेट थे आप। अरे हाँ सिद्धू भी था वो मेरे साथ, मेरे पार्टनर भी और लेजिएस्ट टीममेट आपका, था आरसीबी में, मुंबई आरसीबी या मुंबई इंडियंस, कोई भी, इंडियंस में तो मैं ही सबसे था, आलसी कौन है? मैं ही था, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छा, स्टोरी है, इसके पीछे भी ये मुंबई इंडियंस के साथ एक स्टोरी है। हम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन था, फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन तो हम लोग रुके थे, शायद वर्ली पे रुके थे, होटल था वहां पे ITC का, उसमें तो फर्स्ट टाइम हम लोग सेलेक्ट हुआ था, तो हम लोग को जो हाँ, आदत मतलब मुझे इतना आदत नहीं था कि इतने सॉफ्ट कुशन पे सोने का तो फर्स्ट टाइम मैं सो रहा था, जो हम लोग का हाँ प्रैक्टिस था मेरे ख्याल से 4 बजे था, तो मैं खाना खा के आके सो गया हाँ था, मेरा आँख खुला नहीं था वो टाइम। तो बाद में मुझे मैसेज मिला कि यार आप लेट हो गए हो, आप प्रैक्टिस के लिए आना है आपको, तो मैं खड़बड़ी
मेरे नींद में से जगा था, तो बाद में पता चला यार ये हो रहा है मेरे साथ, तो आपको निकलना चाहिए। तो वो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था मुंबई इंडियंस के साथ, मतलब बिजी तो मेरे ख्याल से मैं ही था वो टाइम पे। और आरसीबी में क्रिस गेल है, मतलब उसको कुछ लेना देना अरे है, अपना अपने दुनिया में रहेगा वो खुद का करेगा प्ले आओ। लेकिन मैच है तो वो भी फर्स्ट वही करेगा। और फेवरेट नॉक बाय टीममेट एबी डिविलियर्स, आपका, एबी एबी डिविलियर्स का डिविलियर्स वानखेड़े वाला। 100 किया था वो, और 2008 में जयसूर्या का 48 बॉल्स में 100 किया था। हाँ, सीएसके के अगेंस्ट। हाँ फिर फेवरेट ग्राउंड तो आपका इडन गार्डन और वानखेड़े आपने बोला, उसके अलावा एक कौन डीवाई सा ग्राउंड है पाटिल तीसरा बोलना बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आपका मोस्ट हम्बल टीममेट मुंबई इंडियंस में अजिंक्य रहाणे, और आरसीबी में मेरे ख्याल से एक केरला का बॉलर था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, केरला का एक संदीप फास्ट बॉलर वॉरियर। था, वो एक बहुत हम्बल है। हाँ, और जो अभी सबसे ट्रेंड पे आप इधर क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट वो क्वेश्चन कि शादी कब कर रहे हो जिसने सवाल पूछा है उसको ही पता है मैं शादी कब करूंगा इधर 3-4 लोग 5 लोग पूछ लिए शादी कब है, शादी कब वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसको उनको ही पता है। है और अभी आप खुद को क्वारंटाइन में फिट रखने के लिए क्या क्या कर रहे हो, मतलब अभी जैसे अजहर ने आपको कोई रूटीन दिया है फॉर एग्जांपल, जो आपका फिटनेस ट्रेनर है। उन्होंने दिया था रणजी ट्रॉफी के टाइम दिया था, मैंने उसको अभी फॉलो कर रहा हूँ अभी। मेरे ख्याल से मैं 25 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, सुबह कर रहा हूँ मैं, 1-1.5 घंटा उसको फॉलो कर रहा हूँ। और बाद में तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो मोस्टली जो वर्कआउट करना है सुबह ही करना है जो, लेकिन वो जो करना है आपको 100% करना है, उसमें कुछ ये नहीं है आपको ये नहीं करना है कल करेंगे वो नहीं, जो करना है वो आज ही करना है 1 घंटे 1.5 घंटे में, बाद में तो आपके पास पूरा दिन है। और देखो अभी मुझे भी पूछने लग गए लोग कि तू कब शादी कर रहा तो उनको भी पता थे जल्दी आएगा, अभी बड़े भाई का गुड बाकी है तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, आई लाइक योर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन, आप जैसे जब ये खत्म होगा क्वारंटाइन लॉकडाउन वगैरह, उसके आगे आपका क्या विजन है, स्कोप है, आप खुद को मतलब और कितना बड़ा क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हो? एज अ क्रिकेटर कोई मतलब रोकना नहीं चाहता है खुद को, मतलब खेलना ही है क्रिकेट, क्योंकि वो एक स्टेज आता है कि आपको नहीं, आपका बॉडी बोलता है कि नहीं यार आपको अभी रुकना पड़ेगा, तो मैं अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं और आगे आके खेल सकता हूँ, 3-4 साल और खेल सकता हूँ। इसके लिए अभी मेरा मोटिव है कि खेलना है, अभी 3-4 साल और खेलना है, और बाद में अभी प्लान किया हुआ है जो वर्कआउट हो सकता है बाद में, तो अभी उसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया है क्योंकि गोल सेट है वो, लेकिन अभी जो फॉलो कर रहा हूँ 2-3 साल का मैं सोच रहा हूँ। ऐसी कोई आईपीएल टीम है जिसके लिए आप खेलना चाहते हो अगले यस, साल या 1-2 साल में, कौन मुंबई सी? इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। क्योंकि मैं उनके साथ पहले 3 साल था तो मुझे, और आरसीबी में 2 साल था, तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुंबई इंडियंस उनके लिए खेलता हूँ। अच्छा, और ये क्वारंटाइन वगैरह जो है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बारे में आप आपके फ्रेंड्स को और फैंस को क्या मैसेज दोगे? जो अपने गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, 17 मई तक अभी ये चल रहा है, होपफुली ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर आप घर पे रहोगे तो सेफ रहोगे, बाहर जाओगे तो और बढ़ सकता है, तो जो गाइडलाइंस दिया हुआ है जो आप गवर्नमेंट ने, तो उसको फॉलो करना ही है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको और टाइम घर पे रहना पड़ेगा, तो डिसीजन आपका है। तो मैं उनको, जो मेरे फैंस हैं उनको मैं वही बोलना चाहूंगा कि घर पे रहो, ये टाइम भी निकल जाएगा, अभी आपके पास बहुत फ्यूचर है, बहुत टाइम मिलेगा, सिर्फ थोड़ा टाइम आपको घर में रुकना है, तो थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन। तो थैंक यू फॉर टॉकिंग।
योगेश यादव, प्लेजर आई प्लेजर। होप अगले साल 1-2 साल में आप वापस आईपीएल में कम बैक करो और बड़ी क्रिकेट खेले। यस थैंक यू लोकेश, थैंक्स।